अभी तक एक्शन नहीं हो रहा गजेंद्र सिंह शेखावत के अगेंस्ट 1000 संजीवनी घोटाला जो है उसका भी साथ होना चाहिए, और जो वसुंधरा का है तो उसकी टाइम बाउंड जो अगर कोई है तो उसकी टाइम बाउंड इंक्वायरी और इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। मैंने देखिए किसी का अल्टीमेटम देना वो तो चीफ मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। मैं यही कहूंगा कि अगर कोई बात है, अगर ऐसी कह देना इंक्वायरी होनी चाहिए उनको विद फैक्ट्स और जो जो एलिगेशन है उनको पब्लिक में लेकर आना चाहिए, और सुखजिंदर सिंह पहला आदमी होगा जो कहेगा चीफ मिनिस्टर से कि इनकी टाइम बाउंड इंक्वायरी और फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वहां इनका केस भेज देना चाहिए। आरटी आलाकमान ने कोई रिपोर्ट मांगी है क्या इस पूरे मामले पर आपने? वो तो डे टू डे रिपोर्ट मांगते हैं और मैं डे टू डे रिपोर्ट भेज भी देता हूं कि क्या हो रहा है, क्या कौन लीडर कर रहा है, क्या नहीं कर रहे, कौन कांग्रेस का काम कर रहा है, जो कौन सा कांग्रेस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वो डे टू डे हर रोज मेरी रिपोर्ट जाती है। सर, ये डिफरेंस विधानसभा चुनाव में इफेक्ट करेगा, बहुत दूरियां बन गई है। देखिए, पॉलिटिक्स में कभी भी कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और परमानेंट कभी दुश्मन नहीं होता। ये पूर्वी प्रकार कोई ऐसा पायलट से बात हो रही है सर, पायलट से बात हो रही है। आप जब करेंगे आप सबको बताएंगे और आप उनके सामने ही बात करेंगे। जी, कांग्रेस में एक सवाल करता है कि अब तक दोनों को एक टेबल पर लाकर बातचीत क्यों नहीं हो सकी, क्यों कोई समाधान की तरफ? मेरी बात सुनिए कि आपने देखा कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका हम जीत कर आए हैं। बीजेपी की एक कोशिश है कि ऐसी बातें फैलाकर कि कांग्रेस इकट्ठी नहीं है, कांग्रेस काम नहीं कर रही, कांग्रेस के लीडर में डिफरेंसेस हैं। हमने दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार बनाई, जो उनका सपना था बीजेपी का कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, हमने उनका सपना पूरा कर दिया। साउथ में हमने बीजेपी मुक्त कर दिया और उसके बाद अब हमारा जो होगा वो हम नॉर्थ इंडिया को उनका बीजेपी मुक्त बनाएंगे। आप एक बात सुन लीजिए, उनके दो तीन स्टेट्स में यूपी, उत्तरांचल और मेरा ख्याल एक दो और स्टेट्स हैं, उनकी दो तीन स्टेट्स में उनकी सरकार, हरियाणा में उनकी जेजेपी के साथ जी है, मध्य प्रदेश में आपने देखा कैसे किया, महाराष्ट्र में उन्होंने कांग्रेस के आदमियों को, उनके बाल ठाकरे के आदमियों को तोड़कर किया शिवसेना के, तो कहाँ है उनकी सीधी सरकार? तो जो कहते हैं ये आगे लोग बताएंगे, जो 2000 का किया है वो लोग बताएंगे कि कैसे क्या कर रहे हो, क्या करेंगे वो होगा। बीजेपी भी कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रही है, कल केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया को बीजेपी में शामिल कर। देखिए, वो पहले ही बीजेपी में थे, मेरे ख्याल थोड़ी देर ही 16 में पदन कब आए थे, तो हाँ उनका मेरे को भी ध्यान रखना चाहिए था, उसमें मैं थोड़ी अपनी गलती भी मानता हूँ कि जो आए हैं उनको मान सत्कार देना चाहिए, और आप देखेंगे कि जो और भी है उनको बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आपने पिछले दिनों बयान दिया था उस मामले में कोटा में आपके खिलाफ इस्तगासे से एफआईआर कराने की। देखिए, मेरी बात सुनिए कि हम ऐसी बात, वहाँ कोई ऐसी बात कहना कि जी उनको कह दिया कि उनको मार, तो प्रवोक नहीं है। जब जो वहाँ के